आप देख सकते हैं गाइस, हवा बड़ी तेज चल रही है और अपना जो ड्रोन है, अपना जो DJI Mini 2 है, वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ हिल तो रहा है, लेकिन जो पिक्चर है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है, जो वीडियो बन रही है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और न्यू टॉय DJI Mini 2, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। एक्चुअली ड्रोन है और ये देखिए DJI Mini 2 का पैक है और ये है कॉम्बो पैक। एक्चुअली इसके साथ बैग है, 3 बैटरीज हैं और साथ में रिमोट कंट्रोल। बड़ा ही बेहतरीन ड्रोन है और जो कि अपनी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बिल्कुल शाय रहेगा, एक बॉलीवुड के एक हॉलीवुड के हीरो की तरह। और चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग आप सबके सामने। अभी ये बिल्कुल पैक्ड है और इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसको ओपन करना शुरू करते हैं। अपने पास एक सीजर है, इसको खोलते हैं। तो गाइस, बॉक्स बिल्कुल जो है वो एम्प्टी है और इसमें है एक अपना ब्यूटीफुल सा कॉम्पैक्ट सा छोटा सा बैग। देखिए बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा बैग है, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने जाते हो तो इस बैग को जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हो। तो चलिए गाइस, मैंने आप सबको बोला था अपनी शॉर्ट्स वीडियो डाल के कि आप सबके सामने लाइव अनबॉक्सिंग करूँगा अपने DJI ड्रोन की, DJI Mini 2 ड्रोन, जो कि आजकल बड़ा ही फेमस है और काफ़ी यूज़ हो रहा है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसकी करते हैं जिप से ओपनिंग। सबसे पहले हमने पैक को ओपन किया और इसके बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें एक मिला सॉफ्ट सा लेदर बैग। इसको ओपन करने के बाद ये कुछ सीन हमारे सामने, और सबसे पहले इसकी जो जिप है इसको ओपन करते हैं, बैग की जिप को। इसमें देखते हैं क्या है। गाइस, इसमें निकले हैं 3 प्रोपेलर्स। जब भी आपके प्रोपेलर्स खराब हो जाते हैं तो आप उनको इन एक्स्ट्रा प्रोपेलर से ट्रांसफर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चलिए हम इसको रखते हैं साइड पे। तो चलिए गाइस, अब बारी है हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे मोस्ट वेटिंग गैजेट की, हमारे टॉय की, हमारे फैमिली मेंबर की। तो उसको निकालते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा DJI Mini 2 और इसका साइज देखिए गाइस, ये मेरे हाथ की थैली है और इसके ऊपर मैं रखता हूँ इसको। ओए होए 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 होए, देखिए यार बड़ा ही छोटा सा है। और ये गाइस, इसके ऊपर इसका दे रखा है प्रोपेलर गार्ड। इसको अगर हम ओपन करते हैं, जब भी आप शुरू करोगे तो अगर आप ट्रैवल करते हो जहाँ अपने बैग में रखते हो तो आपको ऐसे इसको टाई करके रखना पड़ेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया और जी है गाइस, इसका प्रोपेलर गार्ड देखिए, इसको रखते हैं साइड पे। और जे इसके प्रोपेलर्स देखिए, और ये जो गार्ड है, ये जब भी आप ट्रैवल करते हो, जैसे मैंने पहले बताया, आप ट्रैवल करते हो, आप इसको अपने बैग में रखते हो, तो अगर आप इस गार्ड को यूज़ करते हो तो आपके प्रोपेलर्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। गाइस, अपने छोटे से प्यारे से ड्रोन को भाई साहब रखते हैं साइड पे। तो ये रख दिया हमने बड़े ही सॉफ्टली अपने ड्रोन को साइड पे। चलिए देखते हैं बैग में और क्या क्या है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये है भाई साहब ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। वो ये सीरियसली आप ट्रस्ट कीजिए, ये भाई साहब ड्रोन से भी हैवी है। चलिए हैवी है तो फिर क्या हो गया, ओपन तो करना ही है। और चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसको निकालते हैं जी रिमोट कंट्रोलर को बाहर, और देखिए गाइस ग्रे कलर है और उसकी जो टच है काफ़ी स्मूथ है, और DJI की ब्रांडिंग। और ये देखिए जी इसकी बैक साइड, और ये हमारा रिमोट। और रिमोट के अगर साइड पे देखें तो हमें जॉयस्टिक्स मिलती हैं, देखिए ये है जॉयस्टिक। इसको इसके साथ करते हैं अटैच।
वाओ, अपनी जो जॉयस्टिक्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो चुकी हैं। और गाइस ये है कुछ ऐसा सीन, इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो इसके ऊपर आप अपना फ़ोन, अपना एंड्रॉयड फ़ोन, अपना आईफोन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो आपका ड्रोन कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका ड्रोन क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो फिलहाल इसके लिए इसको करते हैं बंद। इसको पकड़ के जो बचपन में हम चाइल्डहुड में जो गेम्स प्ले करते थे प्लेस्टेशन की, भाई साहब उसकी याद आ चुकी है। और इसका ग्रिप जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी बढ़िया है। और जे गाइस ये जो स्विच दे रखा है ना इन्होंने, ये है इसका वीडियो मोड, इसका फोटोशूट मोड। इसको क्लिक करेंगे आपका ड्रोन जो है वो वीडियो शूट करना शुरू कर देगा, वो आपकी पिक्चर क्लिक करनी शुरू कर देगा। और अब बारी है गाइस, एक ही फाइनली चीज बची है, ये देखते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सेसरीज, और चलिए इसको निकालते हैं। एक्सेसरीज निकालने के बाद देखिए अपना जो बैग है वो बिल्कुल खाली है, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये कुछ बुकलेट है, यूज़र मैनुअल है अपने ड्रोन की। इसको काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, इसको बाद में आराम से पढ़ के आपको बताऊंगा। इसको रखते हैं गाइस साइड पे, और इसके बाद हमारा जो ड्रोन का बैग है वो बिल्कुल हो जाता है खाली। इसको भी रखते हैं हम बिल्कुल साइड पे, और चलिए देखते हैं एक्सेसरीज वाले जो बॉक्स है हमारा उसमें क्या क्या है। और चलिए इसको करते हैं ओपन, लाइव ओपन हो रहा है आपके सबके सामने। और सबसे पहले गाइस इसमें अपना चार्जर, जीरो चार्जर है, ये देख सकते हैं आप, DJI अडाप्टर पावर। इसके साथ हम अपना ड्रोन भी चार्ज कर सकते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे, और इसके बाद है हमारी ये कुछ पावर केबल्स हैं, देखिए सी केबल है, केबल को रखते हैं जी साइड पे, केबल को भी रख दिया हमने साइड पे। और इसके बाद बारी आती है गाइस, अच्छा एक और भी केबल है, इसको भी निकालते हैं बाहर, इसकी भी करते हैं अनबॉक्सिंग। और देखिए गाइस एक्चुअली ये हमारी चार्जिंग केबल है, और अब बारी है लास्ट एंड फाइनल, इसको भी निकालते हैं गाइस। और ये कुछ ऐसा सीन है, अगर आपके पास सैमसंग का पुराना ओल्ड वर्जन फ़ोन है आप उसको भी रिमोट के साथ बिल्कुल अटैच कर सकते हो। तो ये कुछ पुराने ओल्ड सैमसंग की केबल दे रखी है, इसको भी हम रखते हैं साइड पे। और अभी ये वाला बॉक्स जो हमारा एक्सेसरी वाला बॉक्स खाली हो चुका है, इसको भी रखते हैं साइड पे। चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं जल्दी से जल्दी। ओ भाई साहब खोल जाओ, तो ये गाइस हमारा चार्जिंग बैटरी चार्जिंग पॉट, और इसके साइड पे ऑन ऑफ का बटन दे रखा है इन्होंने, ये देखिए ये है ऑन ऑफ का बटन, ये है इसका चार्जिंग पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, हमारे जो चार्जर हमारा सी केबल चार्जर है इससे इसको कनेक्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ अडाप्टर, दिस अडाप्टर वी कैन चार्ज वही आवर ऑल बैटरीज, आवर ऑल थ्री बैटरीज। तो हम अपनी तीनों की तीनों बैटरीज जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा चार्जिंग हब बोल सकते हैं, चार्जिंग अडाप्टर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कुछ चार्ज इसकी बैटरी है, इसको मैं निकाल के बताता हूँ आपको। हाँ तो ऐसा कुछ सीन है गाइस, बैटरी जो है वो भी बड़ी कॉम्पैक्ट है, ये देखिए इतनी छोटी सी बैटरी है हमारे DJI मिनी 2 ड्रोन की। तो ये रही गाइस थर्ड बैटरी, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका जो लॉक है उसको ओपन करते हैं, और इसके बाद इसकी जो बैटरी है उसको हम करेंगे बाहर इंसर्ट। और ये रही गाइस की थर्ड बैटरी, ये देखिए, और ड्रोन की अगर इंसर्ट देखें तो ये भाई साहब ड्रोन का चार्जिंग पॉइंट, और ये है मेमोरी कार्ड स्लॉट, इसमें आप अपना मेमोरी कार्ड स्लॉट वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये है गाइस इसका गिम्बल, जिसकी वजह से जो इसकी स्टेबलाइजेशन है वो इसको बना देती है वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ड्रोन। और इसको भी करते हैं हम ओपन, इसके ऊपर ऐसा कुछ सील दे रखी है, इसको खोलते हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल लाइव आप सबके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। और ये कुछ इसका प्रोपेलर, इसको साइड पे करते हैं, और ऐसा कुछ लॉक दे रखा है इसके गिम्बल का, इसको भी बाहर निकालते हैं। तो गाइस इसको निकाल लिया बाहर, और ये गाइस हमारा छोटा सा प्यारा सा गिम्बल।
तो फाइनली गाइस चलिए अपने छोटे से प्यारे से DJI मिनी ड्रोन को ओपन करने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले इसके जो विंग्स हैं उनको करते हैं जी ओपन। टू हो चुके हैं और थर्ड वन जो है वो होगा कुछ इस तरह से, वन एंड टू। होए 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 होए। तो जय गाइस हमारा परफेक्ट DJI मिनी 2 ड्रोन जिसकी मैं वेट कर रहा था बड़े ही देर से। DJI मिनी 2 ड्रोन आप सबके सामने, इसकी मैंने की है लाइव अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसको करते हैं ऑन और इसको अपने रूम में उड़ा के देखते हैं। गाइस मेरा फोन थोड़ा सा जहाँ से एक्चुअली गिर गया था थोड़ा सा टूट चुका है तो इसके लिए सॉरी। तो इसको मैंने अपने रिमोट कंट्रोलर को, अपने DJI मिनी 2 के रिमोट कंट्रोलर को अपने फ़ोन के साथ अटैच कर चुका हूं और जैसे मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है और इसके ऊपर एक अपडेशन जो है वो अपडेशन आप देख सकते हैं अभी 43% हो चुकी है। इसको अपडेट कर रहा है। अपडेट होने के बाद मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, देखिए। तो मैं आपको अपने रूम में ही इसको फ्लाई करके बताऊँगा और जो इसकी मैक्सिमम फ्लाई होगी वो होगी दिन के टाइम, इसी वीडियो में होगी। और प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अभी ये हो रहा है हमारा DJI मिनी 2 अपडेट, 55% हो चुका है। वाईफाई लगा हुआ है लेकिन वाईफाई लगने के बावजूद भी हाई स्पीड वाईफाई है, बड़ी ही स्लोली जो है वो अपडेट हो रहा है। 55% हो चुका है और जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ इसको फ्लाई करके गाइस। तो फाइनली गाइस हमारा जो अपडेट सिस्टम था वो अपडेट हो चुका है और अपने DJI मिनी 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस ये हमारा रूम मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी रूम में इसको फ्लाई करके देखते हैं कैसा लगता है और इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे। अभी बाहर बिल्कुल देखिए अंधेरा, रात के बज चुके 12 और ऊपर जाके भी इसकी वीडियो बनाएंगे और सुबह उठ के भी आपको मैं बताऊंगा इसकी कैसी वीडियो आती है। बैटरीज जो हैं वो 4 GB मैंने लगा दी हैं और चलिए अब शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट फ्लाइट। तो जी गाइस अपने मिनी 2 की फर्स्ट फ्लाइट अपने रूम में, देखिए गाइस अपने फ़ोन पर चल रही है और देखिए ये हमारा भाई साहब मिनी 2 ड्रोन और उसकी स्टेबिलिटी देखिए गाइस। वो कैसा लग रहा है भाई? बड़ी डंड लग रही है। ओए ओए। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और अभी दिन हो चुका है, रात बीती जा चुकी है और रात को हुई है बारिश और मेरे देख सकते हैं आप पीछे पूरी जो छत है, पूरा जो टेरेस है वो बिल्कुल भीगा हुआ है। और देखिए गाइज हवा जो है वो बिल्कुल ज़ोर से चल रही है और इसी हवा में अपने ड्रोन का जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा। हवा में इतनी तेज़ हवा में अपना जो ड्रोन है वो कैसे फ्लाई करता है, अच्छी तरह फ्लाई कर पाता भी है या नहीं पाता है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद में मैंने जाना है ऑफिस और मैं जल्दी से आपको एक इसका उड़ा के इसको ट्राई करवा देता हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अपना जो RC है वो हो चुका है ड्रोन के साथ कनेक्ट, तो अब बारी है इतनी तेज़ हवा में इसको फ्लाई करवाने की। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओए होए 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 होए। उड़ जा भाई, उड़ जा उड़ जा उड़ जा। और इतनी तेज हवा में गाइस बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ उड़ रहा है अपना ड्रोन। देखिए इसको मैं क्लोज लाता हूँ अपने, आप देख सकते हैं गाइस हवा बड़ी तेज चल रही है और अपना जो ड्रोन है, अपना जो DJI मिनी 2 है
वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ हिल तो रहा है, लेकिन जो पिक्चर है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है, जो वीडियो बन रही है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। कैसी लगी आपको हमारी ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट? एक्चुअली इसमें एसटी कार्ड नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है फ़ोन की, जो इसकी फुटेज आ रही थी बड़ी बेहतरीन फुटेज थी 4K 30fps पे। और मैं ट्राई करूँगा इसमें जल्दी से जल्दी एसटी कार्ड डालेंगे, किसी खुली जगह पे जाएंगे और इसके जो भी फीचर्स हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई साहब एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। पहले रात थी फिर दिन हो चुका है, अभी इसमें जो एसटी कार्ड स्लॉट है अभी तक नहीं डाला है, सो दैट्स व्हाई जो है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही बता सकूंगा। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में इसके ढेर सारे फीचर्स के साथ और इसके रिव्यू के साथ। थैंक यू, बाय बाय।